हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज थोड़ा लेट से वीडियो अपलोड होगा, लगभग 7:30 बजे के आसपास, क्योंकि टाइम अभी देख रहा हूँ मैं, ज़्यादा हो गया है। तो आज का जो टॉपिक है भैया, टीएच मॉर्गन का ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर पे जो काम उन्होंने किया था, तो आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपने आप में बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट था भाई। यार ये भी बहुत दिमागी साइंटिस्ट था। मतलब ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है जिनकी जो मतलब अगर ना होते इस दुनिया में तो शायद कई चीज़ें हमसे अछूती रह जाती। जेनेटिक्स के कई ऐसे फंडामेंटल थियरीज थी जो हम समझ ही ना पाते। ठीक, आज उसमें से एक साइंटिस्ट की बात हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, टी एच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो थॉमस हंट मॉर्गन की जब बात करेंगे तो थॉमस हंट मॉर्गन ने, टी एच मॉर्गन का पूरा नाम पहले लिख लेना, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने काम किस पे किया, ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर पे किया। अब ड्रॉसोफिला मेलानोगास्टर होती क्या है, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी। अब इन्होंने इसी को चूज क्यों किया? ठीक, इसको चूज करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि ये भैया क्या करते थे, ये इजिली, पहली बात तो कल्चर किए जा सकते थे, ईजिली कल्चर किए जा सकते थे। ये क्वेश्चन आता है इसलिए आपको लिखा रहा हूँ, ईजिली कल्चर्ड। ठीक, मतलब समझ पा रहे हो, ईजिली कल्चर्ड का मतलब है कि अगर अगर आप मधुमक्खी को पालने को आप इस काम के लिए यूज करो तो डंक मार देगी, बरैया को यूज करो डंक मार देगी, फ्रूट फ्लाई में डंक होता है नहीं तो क्या मारेगी। ईजिली हैंडलिंग, ईजिली आप इसकी हैंडलिंग कर सकते हो। दूसरा पॉइंट था कि भैया ये क्या है, 2 हफ्ते इनका लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पैन भैया इसका 2 हफ्ते होता है। तो अब छोटा सा लाइफ स्पैन है हमको, अब अगर हम ले लेंगे कछुआ छुआ टाइप के ऑर्गेनिज्म ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो 150 साल तो कछुआ जिएगा, और उसकी जनरेशंस पढ़नी है हमको, तो जनरेशंस कैसे पढ़ पाएंगे, हम खुद 70 साल मर जाएंगे। ठीक, तो इसलिए भैया 2 वीक्स का छोटा सा लाइफ स्पैन था और इसलिए हमने फ्रूट फ्लाई को उठाया। हमने क्या, टी एच मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन साहब ने उठाया। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट था कि भैया लार्ज प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे थे एक बार में, लार्ज प्रोजेनी इन वन क्वाइटस, एक बार में कई सारे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे थे, ये भी एक रीजन था। इसके बाद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, देखो भैया फीमेल को अपने हिंदू समाज में देवी का दर्जा दिया गया है, महिला को देवी का दर्जा दिया गया है, नारियस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। तो भैया वैसे ही यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की जब बात करते हैं तो फीमेल वाली फ्रूट फ्लाई जो है, फीमेल फ्रूट फ्लाई बड़ी होती है। अरे अभी ये चित्र तो हम क्या बनाएंगे, इसका साइज जो है मेल से बड़ा होता है, ये लिख लेना अपना पॉइंट बना करके, तो ये इजीली दिख जाता है कि कौन सी फीमेल है कौन सी मेल है। इसके बाद भैया 8 ठोरा 8 क्रोमोसोम्स, वो भी बड़े बड़े, बिग साइज, ट्रिपल एक्सल हैं। तो भैया 8 ठोरा क्रोमोसोम है, वो भी बड़े बड़े, तो सिंपल माइक्रोस्कोप, इवन लो जिसका पावर हो माइक्रोस्कोप, उससे भी इसके क्रोमोसोम दिख जाते हैं। तो ज़्यादा कंबर्सम प्रोसेस था नहीं, तो टी एच मॉर्गन ने ड्रॉसोफिला को ही उठा लिया। तो अब इसके बेसिस पे इन्होंने जो काम किया वो काम क्या था, ये बात आपने लिख ली होगी, नहीं तो पीछे जा करके देखो हम कोने में खड़े थे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक, ले लेना। अब इन्होंने काम क्या किया, हमारे मेंडल साहब ने बताया था कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको F1 जनरेशन तो सब सारे डोमिनेंट मिलते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में 9-3-3-1 के रेशियो में क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, असॉर्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब टी एच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के पे काम किया तो इन्होंने क्या किया, येलो बॉडी और वाइट आई। भैया बहुत अच्छा कंसेप्ट है, नीट और क्लास 12th कोई मास्टर समझाता नहीं है इसको, बच के निकलना चाहते हैं। ठीक है,
इतने प्रेम से समझाएंगे आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देने की कोशिश करना, कम से कम इसी मेहनत पे आप लोग लाइक वाइक कर दिया करो। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी पर बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखना, येलो बॉडीड और वाइट आइड की फीमेल का हमने क्रॉस कराया किससे, ब्राउन बॉडी हमने नहीं, टी एच मॉर्गन ने, हमने बोल हम जरूर रहे हैं लेकिन करवा सब टी एच मॉर्गन रहे, वही हमारे करता धरता हैं, ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक। इस फीमेल का इस मेल से हमने क्रॉस कराया, हमने मतलब टी एच मॉर्गन साहब ने, और टी एच मॉर्गन साहब को क्या मिला, 9:3:3 का रेशियो, दूर दूर तक कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, बल्कि इन्हें क्या देखने को मिला, 98.3%, बल्कि 98.7%। कैसे मिल गए, पेरेंटल टाइप के, और ओनली 1.3% कैसे रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब कुछ तो है वहां पे भैया, 9:3:3:1, ये जो बीच वाले 3-3 थे ना, ये रिकॉम्बिनेंट सब रोल अदा कर रहे थे, और यहां पे भैया रिकॉम्बिनेंट्स केवल 1.3%, 1.3%। अगर 100 प्रोजेनी बन रही है तो उसमें खाली 1.3 ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है भैया, मेंडल साहब गलत भी नहीं हो सकते, लेकिन इन दो जीनों में कोई तो कुछ तो ऐसी बात है जो इनको रिकॉम्बिनेशन होने ही नहीं दे रही। अच्छा, मेंडल ने जो दो जीन लिए थे भैया, वो अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे, ठीक। यहां पे बात आई किसकी, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। ध्यान देना, एक क्रोमोसोम है, ठीक, डेफिनेशन लिखना लिंकेज की, ठीक, लिंकेज की डेफिनेशन लिखना, फिजिकल क्लोजनेस, फिजिकल क्लोजनेस और फिजिकल टुगेदरनेस ऑफ टू जीन इज नोन एज, इज टर्म्ड एज लिंकेज। क्या, जैसे ये कोई एक जीन ए था, ठीक, ये कोई जीन बी था, ये जितना करीब होंगे उतना लिंकेज ज्यादा होगा, ठीक, जितना नजदीक होंगे एक दूसरे से, सेम क्रोमोसोम में के ही सेम क्रोमोसोम के ही जीन पर लिंकेज लगता है। अगर ये क्रोमोसोम कोई दूसरा है, मान लो ये पहले नंबर का क्रोमोसोम है और सातवें नंबर के क्रोमोसोम पे कुछ ऐसा बी जीन प्रेजेंट है ए के बाद, तो इन दोनों में कभी लिंकेज टर्म नहीं लगेगा। सेम ही क्रोमोसोम पर कितनी डिग्री से ये एक दूसरे के नजदीक हैं, ये बात हमें कौन बताता है, लिंकेज बताता है। क्या, कौन बताता है, लिंकेज बताता है, ठीक। भैया मास्टर बता के चले जाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, डेफिनेशन आपको सब लिखा देंगे, हम समझा रहे हैं। देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करना, जितना दूर होगी कोई चीज, जैसे मान लो कि 100%, जैसे मान लो कि एक रस्सी है, इसमें तुमने लाल कलर से यहां पर रंग दिया और नीले कलर से यहां पर रंग दिया, मान लो तुमने लाल कलर से यहां पर रंग दिया और नीले कलर से यहां पर रंग दिया, अब तुमसे कहा जाए कि इस रस्सी को तोड़ो बीच से, तो इन दोनों के अलग होने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं। बीच से का मतलब रैंडम बीच से तोड़ दो, ये नहीं कहना कि इन दोनों के बीच से ही तोड़ो, ये नहीं बोल रहा, कहीं से भी तोड़ दो, बस बीच से तोड़ दो, दो हिस्से कर दो इसके, किधर भी कैसा भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। एक ये केस है और एक दूसरी रस्सी है, इसमें तुमने लाल रंग यहां पर किया है और नीला रंग यहां पर किया है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा केस ऐसा है जिसमें ये लाल और नीला अलग अलग भाग में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो भैया अगर कोई अंधा आदमी भी होगा तो वो भी बता देगा कि ये वाला में प्रोबेबिलिटी लाल और नीले के अलग हो जाने की ज्यादा है, क्योंकि यार इतनी स्कोप है प्रोबेबिलिटी का, भाई इतना स्कोप है अलग हो जाने का, और यहां पर देखो इतने क्लोज हैं ये कि इनका तो चोली दामन का साथ है, शायद ही कोई अलग कर पाए, 100 बार तोड़ोगे तब कहीं एक दो बार ये टूट पाएंगे, अलग हो पाएंगे। तो यही बात यहां पर इन्हें पता चली कि ये जीन जो थे, इसका मतलब है कि एक दूसरे से
बॉडी के कलर का और आई के कलर का जो जीन है ये एक दूसरे से बहुत ही नजदीक था, ठीक। तो ये बात इन्हें पता चली इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 1.3% ही रिकॉम्बिनेंट्स मिले थे 9331 से अलग। अब इसके बाद आपको बता देते हैं कि कैसे क्या हुआ, उसको समझाने के लिए थोड़ा एक चित्र पीछे एनसीईआरटी में बना है उसको आप लोग देखते चलना, हम बनाएंगे वही सेम। कोई त्रुटि भूल हो जाए तो भैया क्षमा करना, डेलीबरेटली नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं या कोई मतलब हम जानबूझ के गलती कर देते हैं, हो जाती हैं गलतियाँ, ठीक। ये बात समझ में आ गई। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, एट द टाइम ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, देखो ये पेयर वन का जो क्रोमोसोम है इसका एक क्रोमोसोम ये और दूसरा क्रोमोसोम ये। जब 11th में पढ़ोगे तो पता चला होगा कि ये एक पीला वाला मान लो पापा से आया तो नीला वाला मम्मी से आया होगा, ठीक। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और इन होमोलोगस क्रोमोसोम की ये जो इस क्रोमोसोम की ये जो क्रोमेटिड हैं ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। तो बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। 11th में पढ़े होगे और अगर किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया तो हम पढ़ाएंगे, परेशान ना होना, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम 11th क्लास में वो भी बताएंगे। ये डेफिनेशन आपने लिख ली क्रॉसिंग ओवर की या रिकॉम्बिनेशन की, ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज ऑफ मियोसिस वन द एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल फ्रॉम द होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन, ठीक। चलो ये मिटा देता हूँ। अब इसके बाद आपको बताते हैं वो वाला चित्र जिसको आप बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हैं, शायद आपको बताया हो किसी ने, ये नहीं भी बताया तो आप देख लो। ये वाई जीन है, ये स्मॉल डब्ल्यू जीन है, ये वाई जीन है, ये स्मॉल डब्ल्यू जीन है, ठीक। ये रिस्पॉन्सिबल है येलो बॉडी के लिए और ये रिस्पॉन्सिबल है वाइट आई के लिए, ठीक। ये फीमेल है, ठीक, ये वाली जो है ये फीमेल है, ठीक, ध्यान देना फीमेल है। ये आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, ठीक। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे हमको क्या मिलता है कि इसमें ये वाई प्लस है और ये डब्ल्यू प्लस है, ये वाइल्ड टाइप का मेल है और मेल वैसे कैसे होते हैं, जंगली टाइप के होते हैं, किटबिट से बने रहते हैं, तो ये वाइल्ड टाइप का मेल है। जब आप F1 जनरेशन में पहुंचते हैं तो एक इधर जाएगा, दो तरह के जीनोटाइप आपको मिल जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना, वीडियो लंबी हो जाए तो बोर ना हुआ करो यार, हैं, बड़े हो रहे हो, बच्चे नहीं हो। Y प्लस W प्लस गुल्ली माता अफकान माता, ठीक, आना चला इस समय खूब सुनना जा करके। हाँ, केवल पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया करो, पढ़ाई करते रहो एक लेवल तक, फिर उसके बाद अपने को फ्रेश भी करो। ये F1 जनरेशन आपको मिली। अब F1 जनरेशन का जब हम F1 जनरेशन के बीच में जब हम क्रॉस करवाएंगे सेल्फ क्रॉस या इधर क्रॉस तो F2 जनरेशन में क्या मिलेगा देखना चाहोगे, आओ देखो ये इससे क्रॉस करके क्या बना देगा, देखना, ठीक। देखना ध्यान से देखना इसको,
जैसे ये नीला वाला था तो ये आधा नीला वाला आया इसके पास और बाकी जो बचा वो वैसा ही है जैसा वहाँ पर था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन। ये नीला लेकिन आया कौन सा वाला, ये वाला नीला आया, ये नीला नहीं ये लाल आया है ऑरेंज। ठीक ठीक, ये ऑरेंज जो आया ये किसका वाला आ गया, देखो इसके बीच में इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया वो क्रॉसिंग ओवर और एक बन गया और इसके साथ जुट गया। ठीक, एक ही आया। इसके बाद दूसरा एक कौन सा आएगा, इसमें नीला इसमें ब्लू वाला जुड़ेगा। हाँ हाँ, इसमें येलो जुड़ेगा। इसके बचे हुए पोर्शन में इसका इसका बचा हुआ पोर्शन जुड़ जाएगा। ठीक, और इधर ये नीला रहेगा, ये दो बने। ठीक, देखा एक ऐसा बना। इसके बाद ये चार हो गए। ठीक, ये चार जीनोटाइप ऐसे हुए और इसके बाद जो चार और जीनोटाइप आए वो देखो, मतलब इसमें और इसमें और इसमें और इसमें। ठीक, पेरेंटल टाइप के ही आएंगे। कौन कौन, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो कौन सा होगा, पीला और पीले को एक साथ रखो। देखो अब कि ये जो तुम्हारा पिंक वाला था ऑरेंज, इसमें यहाँ से टूट हुई, देखो यहाँ से चलना, ये तो पूरा ही रहेगा। अब इसके साथ देखो यहाँ पर ये पूरा था तो अब की येलो वाला लग जाएगा। ठीक, और इसके बाद ये नीले के साथ कौन सा लग जाएगा, ये येलो वाला, ये येलो वाले के साथ एक ये ब्लू वाला लग जाएगा। ये देखो ये तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाले, ये इस पे, ये दो जो हैं ये पहली पेरेंटल जनरेशन के थे और ये जो दो नीचे देख रहे हो ये दूसरी वाली पेरेंटल जनरेशन के हैं। और इसमें जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो कैसे होगा, देखो एक तो कलर चेंज करने में बहुत समस्या होती है यार। ठीक, और इसके साथ ब्लू वाला आ चुका है ना तो आपकी येलो पूरा आ जाएगा। ठीक, और बाकी इसके बाद बचा कौन सा, ये और इसके साथ ये येलो और इसके बाद ये पूरा येलो। ठीक, अब इसकी लेबलिंग करके दिखाते हैं तुमको। देखो ऊपर से देखते चलना, ये बनाना काफ़ी कठिन काम था तो इसलिए हमको थोड़ी समस्या यहाँ पे हुई है। ये वाई, ये डब्लू, ठीक, सिंपल वाला वाई डब्लू, वाई और डब्लू। ठीक, यहाँ पे देखो Y प्लस, देखना Y प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या W प्लस है, नहीं, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया W, ये हो गया रिकॉम्बिनेशन, ये वाला W यहाँ पे आ गया देखो। ठीक, यहाँ पे कौन सा है, Y प्लस और W प्लस, सिंपल चल रहा देखो, लेकिन यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पे Y है लेकिन यहाँ पे आ गया W प्लस। ठीक, इसके बाद ये कुछ नहीं है बीच में, इसको मिटा दे रहा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या था, वाई प्लस और W प्लस। ठीक, थोड़ा सा टफ है, हल्का सा टफ है लेकिन आप समझने चलोगे तो अभी हम समझा भी देंगे। Y और W, ठीक, जब यहाँ पर देखोगे तो Y और W, ठीक, यहाँ पर देखोगे तो ये Y प्लस है लेकिन ये W है, ये प्लस लगा है, ये Y है और ये W प्लस है, और इसके लिए तो Y W है ही है, इसके लिए भी वाई डब्ल्यू है। ठीक, ऐसे लिख लेना। तो अब इसमें देखना, पहले देखने की कोशिश करना, ये चारों जो हैं ये तुमको यहाँ पेरेंटल दिख रहे हैं कि नहीं। देखो पहला वाला ये पेरेंटल है, दूसरा वाला ये पेरेंटल है, तीसरा वाला ये पेरेंटल है। देखो ध्यान से देखो, इसमें बस क्रोमोसोम नीचे है, ऊपर कर दिया है, ये पेरेंटल है इसका और इस ये इसका पेरेंटल है। ठीक, तो ये 98.7% मिले। ठीक, अब ऐसा ही एक दूसरा भी बना होगा, उसको दाता इसी तरह बना लेना, उसमें बस ये है कि येलो आई ऐसा ही दिखाएं, येलो आई और मिनिएचर विंग,
एम, वाई और एम, ये दूर दूर हैं, तो इसमें जब और ये 1.3% कैसे मिले, रिकॉम्बिनेंट मिले, ये वाले रिकॉम्बिनेंट हैं और ये वाले पेरेंटल 98.7, ये कैसे हैं रिकॉम्बिनेंट, इनका कितना 1.3%। इसमें जब देखोगे तो इसमें रिकॉम्बिनेंट का रेशियो आएगा कितना 37.2 और बाकी बचा कितना 62.8 जो आएगा परसेंट, ये आएगा पेरेंटल का। ये रेशियो पूछा जाता है, ये डायग्राम तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने समझाने के लिए बता दिया है ये रिकॉम्बिनेंट है। ठीक, ये चीज है, ये थॉमस एंड मॉर्गन की थियरी में सामने आई थी। सेम जैसे ये बना है वैसे ही इसका भी बनेगा। देखो क्रॉस किसके बीच होगा वो बता दे रहे हैं, वाई एम। ठीक, फिर से ये W और ये इसका क्या होता है, M प्लस होता है, ये Y आएगा भैया। Y किसके किसके बीच करवाया था यार ये वाला, हाँ भैया ये कलर है, ध्यान देना ये W है, देख लो भैया, देखने देखना चाहिए, ये आई के कलर की बात है। ठीक, वाइट आइड और मिनिएचर विंग का कराया, और ये भी वाइट आइड, ये वाइट आइड और मिनिएचर विंग का ये वाइल्ड टाइप था, कैसा था ये वाइल्ड टाइप था, और जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो हमको इस तरह का कुछ रेशियो मिला, परसेंटेज मिला। तो इसमें चूंकि दूरी ज़्यादा थी तो देखो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज बढ़ गया, यहाँ पे देखो दूरी न, ये दोनों जीन्स के बीच की दूरी कम थी तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कम रहा। ये बात किससे पता चली हमको, थॉमस एंड मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से। ये सिंपल सी बात तो नहीं थी लेकिन फिर भी हमने आसान करके समझाने की कोशिश की है। ठीक, तो आज की वीडियो में इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखना, एक देखो इस वाले का आ गया है आधा पोर्शन और फिर बाकी आधा इधर नीचे चला गया है। ठीक, ऐसे देखो रिकॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे ही इसमें हुआ है रिकॉम्बिनेशन। ठीक, ये रिकॉम्बिनेशन हुआ है और बाकी ये वाले पेरेंटल टाइप थे। बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।